चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह आज एक बार फिर से दूल्हा बनने जा रहे हैं। जी हां, सुपरस्टार पवन सिंह आज बलिया में शादी करने जा रहे हैं। पवन सिंह जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं उसका नाम ज्योति है। आपको बता दें कि अभी तक किसी भी मीडिया कर्मी को ज्योति का फोटो नहीं मिल पाया है, लेकिन आज हम आपको ज्योति का फोटो दिखा रहे हैं। जी हां, ज्योति का पहला फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस फोटो में ज्योति लाल घघरे और ब्लाउज में साफ साफ देखी जा रही है और अपनी सर नीचे झुकाकर दिख रही है। आपको बता दें कि ज्योति का पहला फोटो जारी होते ही सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में इसे शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पवन सिंह आज बलिया में शादी कर रहे हैं। इस शादी समारोह में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई गणमान्य लोग उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि मीडिया कर्मी को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि कौन कौन से भोजपुरी इंडस्ट्री या राजनीतिक दल के लोग शामिल होने वाले हैं। हालांकि पवन सिंह की शादी पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई थी, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद पवन सिंह की शादी की चर्चा जोर शोर से बलिया से लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चल रही है। आपको बता दें कि पवन सिंह जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं उसका नाम ज्योति है और ज्योति बलिया के ही कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। आपको बताते चले कि पवन सिंह की यह तीसरी शादी है। हालांकि पवन सिंह की दूसरी शादी 2 साल पहले हुई थी और उनकी दूसरी पत्नी नीलिमा की अचानक मौत से पवन सिंह भी सदमे में थे और अब एक बार फिर से पवन सिंह अपने सेहरे पर बांधने को बिल्कुल तैयार हैं। बलिया के आधा दर्जन से ज्यादा होटलों बुकिंग हो चुकी है और मीडिया रिपोर्ट की माने तो शादी की समारोह की तैयारी पूरी तरीके से बलिया में जोर शोर से किया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, यानी कोर्ट में जाकर शादी करेंगे। उसके बाद कोई बड़ी रिसेप्शन देकर सभी भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को बुलाने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके से आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। लेकिन ज्योति का पहला फोटो जारी होते ही सोशल मीडिया पर इसे भारी मात्रा में शेयर कर रहे हैं और पवन सिंह की नई दुल्हन का लोग भरपूर स्वागत भी करते हुए दिख रहे हैं।